हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले अरमान मलिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अरमान मलिक का एक टिकटॉक स्टार है जिसके फैंस फॉलोवर 10 मिलियंस क्रॉस कर चुका है, यानी कि 10 मिलियन, और इनका टिकटॉक अकाउंट जो है बैंड हो चुका है। और देख सकते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण एक टिकटॉक अकाउंट बैंड हो गया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि ब्यूटी खान का टिकटॉक अकाउंट जो है वो भी बैंड हो गया था, लेकिन इन दोनों के बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों, हम बात करते हैं अरमान मलिक के बारे में। इनका टिकटॉक पे फैंस फॉलोवर 10 मिलियंस क्रॉस कर चुका था और इनका टिकटॉक अकाउंट बैंड हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिस समय ब्यूटी खान का टिकटॉक अकाउंट बैंड हुआ था। तो मैं किन कारणों से टिकटॉक अकाउंट बैंड होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पे आपको मी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, मी पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है। और नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं जो भी टिकटॉक का कम्युनिटी गाइडलाइंस है, और इस कम्युनिटी गाइडलाइंस के आप फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 मिलियन फैंस फॉलोवर हो या फिर 5 मिलियन हो तो आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट बैंड हो सकता है। तो लेकिन यदि आप लोग टिकटॉक यूजर है और टिकटॉक से चाह रहे कि हम सक्सेसफुल पाने के लिए, तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो इससे पहले मैंने बताया था कि ब्यूटी खान है टिकटॉक स्टार है जिसका फिलहाल में 14 से 15 मिलियन फैंस फॉलोवर हुआ है, तो इनका भी टिकटॉक अकाउंट कुछ टाइम के लिए बैंड हो गया था। तो उन्होंने पहले तो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया था कि हमारा टिकटॉक अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर से लगाया कि हमारा टिकटॉक अकाउंट वापस आ गया। और उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने टिकटॉक अकाउंट पे जिसमें बताया था कि वो टिकटॉक आईडी से कुछ मिस्टेक्स किया था, यानी कि कुछ छेड़खानी किया था, इसकी वजह से उनका टिकटॉक अकाउंट बैंड हो गया था। तो ब्यूटी खान का टिकटॉक अकाउंट जो था वो तो वापस आ गया, लेकिन क्या अरमान मलिक का टिकटॉक अकाउंट वापस आएगा या नहीं आएगा, इनके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोगों को अरमान मलिक भाई को आपको हेल्प करना चाह रहे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टिकटॉक अकाउंट का लिंक दे चुका, वहाँ से जाकर आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यू टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर चुका है और वहाँ पे भी फैंस फॉलोवर काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। क्योंकि ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट था उनके अकाउंट था जो फैंस फॉलोवर 10 मिलियंस क्रॉस कर चुका था, और 10 मिलियंस क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग यदि टिकटॉक यूजर है तो कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। यदि आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट कभी भी किसी भी टाइम बैंड हो सकता है, इन बात को आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।